हे गाइस, वेलकम टू सैरी किचन में आपका स्वागत है। सो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो आइए शुरू करते हैं। हम सामग्री देख लेते हैं क्या क्या हमें चाहिए और कैसे हमें बनाना है। ये हम 500 ग्राम गाजर है जो वॉश करके हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं और कढ़ाई रख दिए हैं। उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी और एकदम कम घी में बनाएंगे हम और एकदम स्वादिष्ट। दोस्तों एक बार ज़रूर आप सही लगे तो ज़रूर आप ट्राई कर। देसी घी डाले हैं हम 1 चम्मच और अब इसे डाल के चलाएंगे। 2 मिनट तक हम इसे पहले चलाएंगे। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे 1 गिलास जो बॉईल किया हुआ है पहले से। थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। तो थोड़ी देर हो गया है तो अब हम इसे देख लेंगे। थोड़ा पानी और है तो हम इसे और भी ढकेंगे और लो फ्लेम पर हम बना रहे हैं ताकि अच्छे से हो जाए। अब देख लेते हैं पानी इसमें बहुत बिल्कुल नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 7 चीनी और जो हम 1 गिलास शक्कर लिए हैं और उसमें 1/2 गिलास पानी लेके उसे बॉईल पहले हम 7 चीनी बना लिए हैं और वही हम डाले हैं। अब इसे हम 10 मिनट और जब तक के रहेगा इसको हम भूनेंगे। और ये ड्राई फ्रूट हम लिए हैं 100 ग्राम है जो काजू बादाम पिस्ता और तरबूज के बीज है सब मिला के 100 ग्राम और 3 इलायची है जो हमें छिलका निकाल लिए हैं। अब इसमें भी हम डालेंगे 1 चम्मच भर के घी। हम देसी घी से ही बना रहे हैं और आपको अगर नहीं पसंद है तो आपको जो पसंद है वो घी आप ऐड कर सकते हैं। और उसमें डाल देंगे छोटी इलायची पहले डाल के हम तो ड्राई फ्रूट हम डालेंगे रोस्ट। हम इसे हल्का ब्राउन करेंगे। हल्का ब्राउन हो गया अब गैस कर देंगे बंद। हम पहले हम इसे निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। निकाल के हो गए। अभी इसमें जो गाजर है उसमें थोड़ा सा हम इसे भूंजेंगे। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है दोस्तों। एक बार मेरे स्टाइल में आप ज़रूर ज़रूर आप ट्राई करें। ये देखिए हम देख लेंगे पानी जो बिल्कुल नहीं है तो अब हम गैस को करेंगे बंद। उसमें साचनी रहेगा जब तक हम इसे भून लेते हैं। गैस को अब कर दिए हैं बंद। अब इसमें हम पहले एक टोब है में हम घी लगा लिए हैं। इसमें हम सेट करेंगे। पहले गाजर डालेंगे इसमें। हो गया है गाजर। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। 500 ग्राम गाजर है और उसमें हम 250 ग्राम मावा डाल रहे हैं जो इसे भी हमें हल्का ब्राउन करके हम इसमें सेट करने के लिए डाल दिए हैं। कोई भी मेहमान आए दोस्तों एक बार आप ज़रूर से ज़रूर आप ट्राई करें और झटपट बनेगा एकदम। पूरा 20 मिनट लगा है हमें बनाने में हलवा और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दोस्तों। जो हम ड्राई फ्रूट को जो हम रोस्ट किए हैं ना उससे और भी ज़बरदस्त खाने में स्वादिष्ट कम है। एक बार ज़रूर ज़रूर आप ऐसे ट्राई करें ताकि आपको आप भी इसका लाभ अच्छे से उठाएं और जो भी खाएगा सब आपके तारीफ करेंगे दोस्तों। एक बार ज़रूर ज़रूर आप ट्राई करें। उम्मीद करते हैं एक बार आपको ज़रूर ज़रूर आपको पसंद आएगा। मावा भी सेट हो गया। अब इसे एक लेयर हम इसमें डालेंगे गाजर के हलवा फिर ऊपर से। कलर भी बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है दोस्तों। अब इसे भी हम सेट कर लेंगे। अब जो बचा हुआ है ड्राई फ्रूट अब हम इसमें डालेंगे। अब इसे भी हम सेट करेंगे। अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो एक बार ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये हम 2 घंटा रख दिए हैं फ्रीज में और अभी हम इसको निकाल के बताएंगे कि एकदम सेट हो गया अच्छे से। अब नीचे हम थोड़ा गरम किए हैं। अब इसको हम निकालेंगे। ये देखिए निकल गया है। दिख रहा है एकदम खूबसूरत। जितना देखने में है खूबसूरत उतने खाने में भी बहुत बहुत स्वादिष्ट है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। कोई भी आए झटपट अब बना के दीजिए। बनाए खाए मज़े कीजिए। कितना प्यारा दिख रहा है। अब हम काट के इसे बताएंगे। आप कुछ बर्फ़ी के जैसा काटना है तो बर्फ़ी जैसा भी काट सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।